झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर गठबंधन के साथी खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रमुख एनडीए का घटक दल है उनसे बातचीत चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। झारखंड के प्रभारी आदरणीय हेमंता जी से भी हमारी पार्टी के जमुई से सांसद और झारखंड के प्रभारी अरुण भारती जी की निरंतरता में चर्चाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा सीटों की मांग हमारे दल की नहीं है, 14 में ज़रूर भाजपा के साथ एक सीट शिकारी पारा की एक सीट थी उस पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में चाहते हैं कि 2014 में जैसी परिस्थितियां थी उसी तरीके से गठबंधन के तहत अगर कोई संभावना बनती है, जो उम्मीद है मुझे बनेगी, सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा होता है तो हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल परिस्थिति स्पष्ट होने में कुछ समय और लगेगा। मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आता है, अधिसूचना जो कि मैं मानता हूँ 2-1 दिन में आनी चाहिए, अधिसूचना आते आते तक मैं मानता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चिराग पासवानी 25 कवाड़ा के लेकर चले हैं और 25 के चुनाव के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार है। आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली भी आयोजित करने जा रही है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पार्टी ने आज से लगभग 4 साल पहले शुरुआत की थी। उस मिशन को अंजाम तक लेकर जाने के लिए 25 का विधानसभा का चुनाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और उस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करना हम लोग का लक्ष्य है, उद्देश्य है। कल बीते हुए कल में मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई जिसमें इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की। बहुत सकारात्मक मोड़ पर हम लोगों की चर्चाएं हैं और मैं मानता हूं कि बहुत खूबसूरत तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारा, सीट चयन, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। आगामी 28 नवंबर को जब पटना के गांधी मैदान में हम लोग ये रैली करेंगे तो वहां से औपचारिक चुनाव का आगाज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल कल मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है, कल 4 साल हो जाएंगे उनको हम लोगों को छोड़कर गए हुए। ऐसे में आज पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी पापा की जन्मस्थली शहर बन्नी में हम लोग हर साल जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसी तरीके से मैं, मेरा पूरा परिवार कल वहीं शहर बन्नी में रहेगा। वहीं उनकी जन्मस्थली से आशीर्वाद लेकर अगले रण की तैयारी के लिए पूरी तरीके से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कसकर उस रण को जीतने के लिए, उस रण भूमि में उतरने के लिए तैयार होगा। झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर गठबंधन के साथी खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रमुख एनडीए का घटक दल है उनसे बातचीत चल रही है। कल जैसा मैंने कहा, मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। झारखंड के प्रभारी आदरणीय हेमंता जी से भी हमारी पार्टी के जमुई से सांसद और झारखंड के प्रभारी अरुण भारती जी की निरंतरता में चर्चाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा सीटों की मांग हमारे दल की नहीं है, हमेशा से हम लोग का लक्ष्य रहा है कि कैसे एनडीए को हम लोग गठबंधन में रहकर मजबूती देने का हम लोग कार्य करें। उदाहरण के तौर पर
जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, हरियाणा में भी हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, पर झारखंड एक ऐसा राज्य है, जब मेरा जन्म हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। ऐसे में पार्टी ने भी इस दौरान काफ़ी मेहनत की है। 19 का चुनाव जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, किसी कारणवश उस वक्त गठबंधन नहीं बन पाया था, हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था। 14 में ज़रूर भाजपा के साथ एक सीट शिकारी पारा की एक सीट थी, उस पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में चाहते हैं कि 2014 में जैसी परिस्थितियां थी उसी तरीके से गठबंधन के तहत अगर कोई संभावना बनती है, जो उम्मीद है मुझे बनेगी, सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा होता है तो हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल परिस्थिति स्पष्ट होने में कुछ समय और लगेगा, मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आता है, अधिसूचना जो कि मैं मानता हूं 2-1 दिन में आनी चाहिए, अधिसूचना आते आते तक मैं मानता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।